लोग धरती पे हैं, भारत की भूमि पे हैं, लेकिन तब तो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो अभी कैसे शिक्षित हो गए? तो उसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है अपने समाज के लिए। अर्ध शताब्दी के परिश्रम और सालों की साधना के बाद सरस्वती मुझसे बोली, अरे ओ चांडाल भंगी, तू मुझे भरेगा पता, तू किस पर कविता करेगा? परिश्रम से टूटे, पसीने से भीगे, उजले मन और गंदे तन के स्वामी, तेरे कल्पना रहित मस्तिष्क पर तेरे अनुभव भारी हैं, तेरे मस्तिष्क में ताजे गू, खड़े गू, सूखे गू, हर प्रकार की बीमारी से मरने वाले व्यक्ति के गू, नवजात से लेकर मरणासन्न व्यक्ति के गू की दुर्गंध तारी है। जमींदार सूदखोर और बेगारी खोर का भय भरा है और भरी है छोरी चोद मादर चोद जैसी गालियाँ, भरा हुआ है नालियों का कूड़ा, बरसात में माहवारी के चीथड़ों की गंध, उस चट्टी का भबका जो होती थी टिन के डिब्बों में बंद, नगर निगम के सड़ते हुए और उफान मारते शौचालय, बिल बिलाते हुए कीड़े, चाचा ताऊ गाम गुहांड और रिश्तेदारों की बहू बेटियों के साथ किए गए बलात्कारों का दंश, गुरु घंटालों की चालाकी, अपनी लाचारी, साहूकार की देनदारी, इंतजार के बाद भी ना मिलने वाली बेलदारी, माँ का चांटा, बाप का डंडा, भाई की मजबूरी, चाचा की बेगारी, असमय मौत का तांडव, बेइज्जती की कमाई, ठेकेदार द्वारा की गई लुटाई, देवता की कढ़ाई, देवी का बच्चा, पोन की बोतल, पीर का मुर्गा, पुलिस का फंडा, मौलवी का गंडा, सुअर का लिंडा, चालबाज पुजारी का चंदा, और टीचर द्वारा की गई माँ बहन की गाली के कारण ना पढ़ पाने का दर्द इस कदर हावी है कि अध्ययन मनन और चिंतन, कल्पना की उड़ान, आनंद का विमान तेरे हिस्से में नहीं है और तुझसे कविता लिखवाना मेरे बस में नहीं है। ये मेरी कविता है।